सब्सक्राइब कीजिए टैग टू एडवांस चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सबसे पहले टैग वीडियोस देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको जी की ओर आदेश है टेक एडवांस नए वीडियो के साथ। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं रेडमी 9A के बारे में, जो कि दोस्तों बहुत अच्छा स्पेसिफिकेशन के साथ में बजट ऑफ द फोन आएगा, जो कि देश का स्मार्टफोन कहलाता है, जो कि नॉर्मल बजट रेंज में फ़ोन निकालती है Xiaomi। तो उसे हम बात करेंगे देश का स्मार्टफोन के बारे में, क्या खासियत के साथ आपको कम प्राइस में क्या अच्छे सिचुएशन देखने को मिलने वाले हैं। तो साथ में जुड़ने से पहले कहना चाहता हूँ, चैनल अगर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो नाश्ता मध्य वीडियो स्टार्ट करते हैं। Xiaomi भारत में एक नया बजट स्मार्टफोन लॉन्च करने की तैयारी हो सकी, हालांकि आपने अभी देखा होगा Redmi 9 भी और कुछ दिन कल या परसों के अंदर लॉन्च कर दिया है दोस्तों, जो कि कम प्राइस के अंदर में आपको 8,999 रुपये के बीच में आपको 4GB का भी आपको इंटरनल मेमोरी देखने को मिल जाता है। तो उसी कम प्राइस के अंदर में दोस्तों Redmi 9A की भी बारी आ गई है। तो उसमें हम बात करें वीडियो में, Xiaomi भारत में एक नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। कंपनी ने Redmi 9A का टीजर जारी कर दिया है और इसे भारत में 2 सितंबर को लॉन्च किया जाएगा। हाल ही में Xiaomi एक दिन बाद नए स्मार्टफोन लॉन्च किए, इसमें 9A और 9A प्राइम भी शामिल हैं। Redmi 9A को कंपनी ने जून में ही मलेशिया में लॉन्च किया था। भारत में इस स्मार्टफोन को लाया गया है, वही ये फ़ोन होगा साफ नहीं है। मलेशिया में लॉन्च किए गए Redmi 9A की बात करें तो स्मार्टफोन में सिंगल रियर कैमरा दिया गया है, जैसे कि आप डेस्कटॉप पे देख पा रहे होंगे। Redmi 9A लॉन्च के लिए कंपनी की वेबसाइट पर एक माइक्रो वेबसाइट तैयार कर ली है। इस स्मार्टफोन की पहली सेल 4 सितंबर को होगी। Redmi 9 की स्पेसिफिकेशन की बात करें तो स्मार्टफोन में 6.53 इंच की LED+ की डिस्प्ले दी गई है। इस फोन में वाटर ड्रॉप स्टाइल लॉन्च दिया गया है और यह एक्सपेक्ट रेशियो 20.9 का है। इस स्मार्टफोन के 2 वेरियंट लॉन्च किया सकते हैं, जिसमें आपको 3GB और 4GB रैम का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस फोन में 13 MP का सिंगल रियर कैमरा दिया गया है, सेल्फी के लिए 5 MP का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं Redmi 9A में आपको 5000mAh की बैटरी दी गई है और इसके साथ 10W का फास्ट चार्जिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। इस फोन में कनेक्टिविटी हेडफोन जैक के साथ माइक्रो यूएसबी पोर्ट दिया गया है और Redmi 9A मीडिया टेक का हीलो G25 प्रोसेसर दिया जाता है और ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 10 बेसिक कंपनी के M11 पर चलेगा। वीडियो चाहते तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपसे मिलने वाले टैग वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।